तवंग ऐसी कि सीधे एसपी ऑफिस में घुसकर एसपी पर ही पिस्टल तानती। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार उसे कोई सांसद बनने से रोक न सका। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज जिसके खुले हो। रसू कैसा जो पार्टी लाइन की फिक्र नहीं करता है। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये कहानी है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की, जो शुरू होती है 1987 से, जब जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रजभूषण ने भी पर्चा भरा था। ब्रजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। ब्रजभूषण ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधार वहीं थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। ब्रजभूषण का जन्म 8 जनवरी 1957 को नवाबगंज में हुआ था। बचपन से ही वो अखाड़े में जा उतरे थे। स्थानीय स्तर पर अच्छी कुश्ती लड़ने वालों में जाने जाते थे। राजनीति में उनका करियर अयोध्या के साकेत कॉलेज में छात्र जीवन के दौरान शुरू हुआ। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में बहुत सक्रिय हो चुके थे। उनकी जवानी अयोध्या के अखाड़ों में गुजरी। कॉलेज के दौर में भी वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और इसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया। जब 90 के दशक में अयोध्या शहर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, तब राम मंदिर आंदोलन ने धीरे धीरे आकार लिया, जिससे शक्ति का भंवर बना और इस भंवर में ब्रजभूषण जैसे युवाओं ने खुद को राजनेताओं की तरह पेश किया, जिसमें से वह कामयाब रहे। 1991 में राम मंदिर आंदोलन अपने वान पर था। ब्रजभूषण सिंह ने अपना पहला लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा और कांग्रेस के आनंद सिंह को करीब 1 लाख मतों से हराया। उस वक्त बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनाई थी। अगले साल बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त किया गया। ब्रजभूषण सिंह ने सार्वजनिक रूप से दावा किया उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने में मदद की। वो दावा करते हैं कि वो उस इलाके से पहले व्यक्ति थे जिन्हें आंदोलन के समय मुलायम सिंह सरकार ने गिरफ्तार किया और बाबरी विध्वंस के बाद सीबीआई ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ ब्रजभूषण सिंह को भी सीबीआई ने अभियुक्त बनाया, लेकिन 2020 में उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 1990 के दशक में उन्हें अक्सर संतों और राम मंदिर आंदोलन के नेताओं के साथ देखा जाता था, जिसके चलते उन्होंने खुद को एक तेज तर्रार हिंदू नेता के रूप में पेश किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। ब्रजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। साल 1991 में पहली बार सांसद बने ब्रजभूषण शरण सिंह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा पहुंचे। ब्रजभूषण शरण अब तक 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। साल 1996 में जब ब्रजभूषण सिंह टाटा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के आनंद सिंह को शिकस्त दी। ब्रजभूषण शरण साल 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। साल 2019 में उन्होंने लगातार तीसरी बार इस पद पर चुना गया था। 66 साल के बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण पर हत्या के प्रयास, डकैती सबूतों को गायब करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि उन्हें इनमें से किसी में भी दोषी नहीं ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंह को विवादास्पद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी नामित किया गया था। वहीं दिसंबर 2021 में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें रांची में अंडर 15 के नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने एक एथलीट को सार्वजनिक मंच से ही थप्पड़ जड़ दिया था और अब उनकी कुश्ती पहलवानों से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।